जो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट ये समझा दिया था आपको, मैंने डबल सर्कुलेशन समझा दिया था, डबल सर्कुलेशन की इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको समझा दी थी कि भाई कैसे इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है, ब्लड के फंक्शंस आपको बताए गए थे, ब्लड के सेल्स आपको बताए गए थे, इसके अलावा मैंने बच्चों आपको लिम्फ जो है उसे भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया। तो अभी हम लोग फटाफट से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें आपके पास में होगा ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड जो है बच्चों उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटीजन। एंटीजन, एंटीजन्स को दो टाइप का बताया गया है, एक ए और एक बी। अगर ब्लड के अंदर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप आपका ए कहलाता है, और एक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जैसा कि हमें पता है हमारा इम्यून सिस्टम तैयार करता है, एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बनती है बी। एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए हुई तो ये एंटीजन ए प्रोटीन ए को ही खा जाएगी और उस केस में आपकी सीधी डेथ हो जाएगी। तो अगर एंटीजन ए होता है तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है बी, ऐसे ही अगर एंटीजन होगा बी तो एंटीबॉडी पाई जाती है ए, और अगर किसी के अंदर दोनों एंटीजन है ए और बी तो इसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और जब इंसान का ब्लड ग्रुप होता है ओ तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी दोनों टाइप की पाई जाती है ए और बी। ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो लोग बाग होते हैं ये बच्चों किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी को भी अपना ब्लड जो है उसे डोनेट कर सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं, ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं किसी से भी ब्लड, इस वजह से उन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोगों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो किसी को भी अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं। पर अगर ब्लड मैचिंग के बिना गलत ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाए तो बच्चों ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, मतलब ब्लड जम जाता है तुरंत, शरीर में जितना भी लिक्विड ब्लड है वो सारा का सारा एकदम दही जैसा सेमी सॉलिड बन जाएगा। और इस कंडीशन में ऑक्सीजन, ग्लूकोज कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और डेथ हो जाती है इंसान की। एंटीजन जो एक प्रोटीन है आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाला, ऐसे ही बच्चों एक और दूसरे टाइप का प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हम लोग आरएच। आरएच की फुल फॉर्म है रेहेसियस। सबसे पहले ये प्रोटीन रेहेसियस नाम के एक मंकी, एक बंदर में देखा गया था और तब से इसको रेहेसियस फैक्टर ही हम लोग कहने लग गए, आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर जिस आरबीसी पर, जिस ब्लड के आरबीसी पर प्रेजेंट होगा उसके साथ लगा दिया जाता है वर्ड पॉजिटिव, जैसे आपने सुना होगा ओ पॉजिटिव। और अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग उसको कह देते हैं आरएच नेगेटिव। लगभग वर्ल्ड में 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव, आरएच नेगेटिव होता है, उन्हें रेयर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि बड़ी आसानी से ये ऐसे लोग बाग या ऐसा ब्लड जो है वो नहीं मिल पाता। इस वजह से ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप रेयर हो इन्हें कंटिन्यूअसली ब्लड डोनेट करना चाहिए और उसे प्रिजर्व, उसे स्टोर करवाना चाहिए आपके ब्लड बैंक के अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी वजह से उन्हें ब्लड की जरूरत पड़े तो उन्हीं का खून जो है उन्हें वापस दिया जा सके। ये हो गया आपका ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं जब ब्लड
ब्लड वेसल्स में ट्रेवल नहीं करता, इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर पाया जाता है ये चीज। और अगर ब्लड ब्लड वेसल्स आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज इनके अंदर फ्लो करता है तब इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट के अंदर जो ह्यूमन हार्ट के अंदर बच्चों जो आने वाली चीजें हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि भाई चार तो चैम्बर थे, इसके अलावा सेप्टम एक थिक मस्कुलर वॉल थी हार्ट की जो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकती है। इसके अलावा हमारे ह्यूमन हार्ट में वॉल्स जो थे वो भी पाए जा रहे थे, उन वॉल्स को ही बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। तीन टाइप के वॉल्व पाए जाते हैं, एक होता है ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये जो बच्चों वॉल्व होता है ये पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसे आप अंडरलाइन कर लेना। दूसरा है बाइकप्सिड, ये बच्चों पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तीसरे वॉल्व है बच्चों आपके सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं एट द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर मौजूद होते हैं, जिनसे ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी में तो जाता है आपके राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के जंक्शन पर जो वॉल्व होगा वो सेमी ल्यूनार वॉल्व है। इसके अलावा आपका एओर्टा, इसके अलावा एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पर जो वॉल्व प्रेजेंट होगा उसे भी हम लोग सेमी ल्यूनार वॉल्व कहते हैं। वापस बता रहा हूं, आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के जंक्शन पर और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के जंक्शन पर जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं सेमी लुनार वॉल्व। वॉल्व कोई सा भी हो सबका काम होता है टू एंश्योर द यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ये श्योर करना कि ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता जाए। इसके अलावा बच्चों आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होता पर वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं। कारण ये है आर्टरी सीधा हार्ट से निकलती है और हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है वो बड़े ज्यादा प्रेशर के साथ में इस ब्लड को पंप करता है, तो हाई प्रेशर के साथ ये ब्लड जो है फ्लो करता है आराम से किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। फिर आर्टरीज डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, फिर उसके बाद में कैपिलरीज यूनाइट होकर के बनाती हैं वेन्स। अब बच्चों वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो काफी कम हो जाता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो काफी कम हो जाता है, तो अगर प्रेशर कम हो गया है तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ब्लड वापस उल्टा लौट जाए। तो इस वजह से वेन्स में क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत कम है तो एंश्योर करने के लिए कि ब्लड यूनि डायरेक्शनल फ्लो शो करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे, इस वजह से वेन्स के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। अगर लास्ट टॉपिक है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जैसा हमें पता है तीन टाइप की हैं, आर्टरी वेन कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरीज की बात करें तो आर्टरी बच्चों हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर, इट टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है किसको, ब्लड को। जनरली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक, और एओर्टा जो आपकी मेजर आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके
लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाती है बाकी पूरी बॉडी तक। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई जो हार्ट से दूर ले जाए। दूसरा, जनरली ऑक्सीजन रिच को ब्लड को लेके जाती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तीसरा पॉइंट, इनकी वॉल बहुत थिक होती है, बहुत मोटी दीवार होती है। कारण इसीलिए क्योंकि एओर्टा जस्ट अराइव हो रही है फ्रॉम हार्ट, हार्ट से अराइव हो रही है। हार्ट जो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड को पंप करने वाला है और सीधा ब्लड आर्टरी में जाएगा। अगर आर्टरी की वॉल थिक नहीं हुई तो हो सकता है आर्टरी जो है वो बर्स्ट हो जाए, फट जाए। इस वजह से इनकी जो वॉल है हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए थिक होती है। आर्टरीज आगे और छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स में, जिन्हें बोलते हैं आर्टरियोल। आर्टरीज के बाद में है आपकी कैपिलरी। आर्टरियोल्स आगे और डिवाइड होकर के बनाती हैं कैपिलरी, जो कि सबसे पतली होती हैं। कैपिलरी की वॉल सबसे पतली है तो इस वजह से आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू फूड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, ये सब के सब बड़ी आसानी से कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि कैपिलरी की वॉल जो है वो थिनेस्ट सबसे पतली होती है बाकी ब्लड वेसल्स के कंपैरिजन में। और ये कैपिलरीज यूनाइट होकर के बना देती हैं क्या, वेन्स। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों वेन्स की, तो वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट तक, टू द हार्ट, हार्ट तक लेकर के आती हैं। और जबकि हार्ट से जो दूर ले जाती हैं ब्लड को, वो क्या बताई मैंने, आर्टरी। वेन्स की वॉल बच्चों आर्टरी के कंपैरिजन में होती है थिनर, पर कैपिलरी के कंपैरिजन में होती है थिकर। जनरली जो वेन्स हैं ये कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिवाय पल्मोनरी वेन के, जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसके अलावा जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स होते हैं, बाकी और किसी में नहीं होते, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है और ये प्रेशर कम होने की वजह से कहीं ब्लड वापस उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ना चला जाए, इसे एंश्योर करने के लिए वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये आपका सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। कोशिश करते हैं हम लोग आज एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी हम लोग कवर कर लें। तो जैसे बच्चों डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम था, ऐसे ही एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से के अंदर जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर फेंकने के लिए, बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए भी हमारे शरीर में एक सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो प्रोसेस है उसको कह देते हैं एक्सक्रीशन। जनरली एक्सक्रीशन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, मतलब ऐसा वेस्ट जो नाइट्रोजन का बना हुआ है उसे बॉडी से इजेक्ट आउट करना, एक्सक्रीट करना ही कहलाता है क्या, एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि हो सकता है बच्चों अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा। तो किसी ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, इसके बेसिस पर तीन क्लासेस हमारे पास में हैं। सबसे पहली आप देखेंगे अमोनोटेलिज्म। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अमोनिया जो है उसे अपने यूरिन या एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो रिलीज करता है। अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है हमारे अंदर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करें उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक। प्रोसेस को तो कह दिया अमोनोटेलिज्म और ऑर्गेनिज्म को तुमने कह दिया अमोनोटेलिक। जनरली ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटेलिक होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, ऐसी फिश जिनका एक्सोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ हो, एम्फीबियंस जो है, कई एम्फीबियंस वो भी इसके अंदर आते हैं, टेडपोल,
जो कि लार्वा है फ्रॉग का और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स। दूसरे हैं यूरियोटेलिज्म। आयुष का पूछना है पेसमेकर क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन है, आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि ब्लड अगर प्रॉपरली पंप ना कर पाए तो ऑपरेशन के थ्रू ब्लड के अंदर लगाया जाता है पंपिंग के लिए। दूसरा है यूरियोटेलिज्म, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म बच्चों यूरिया को रिलीज करता है, प्रोसेस यूरियोटेलिज्म है, और जो एनिमल है उसे बोलते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। हमारे अंदर ये जो अमोनिया होता है इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। अमोनिया तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, पॉइजनस है, पर यूरिया जो है उसके कंपैरिजन में कम, लेस टॉक्सिक होता है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग या टोड्स वगैरह आते हैं, ऐसी फिशेज जिनका एक्सोस्केलेटन कार्टिलेजेस का बना हुआ हो, रेप्टाइल्स इसके अंदर आ सकते हैं। तीसरे हैं यूरिकोटेलिक जिसमें ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को रिलीज करता है, प्रोसेस यूरियो यूरिकोटेलिज्म है, एनिमल को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिक एसिड तीनों में, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, इन तीनों में सबसे लेस सबसे कम टॉक्सिक होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सब के सब बच्चे होते हैं यूरिको टेलिक, हम यूरियोटेलिक हैं। तो चलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को, उसके पार्ट्स, उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों इसमें वन पेयर ऑफ किडनी जो कि बीन शेप राजमा जैसी शेप होती है उनकी, एक पेयर यूरेटर होता है किडनी जो कि बच्चों हमारी फिल्टरिंग यूनिट है जिसमें ब्लड जो है फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। किडनीज में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ये यूरेटर, वन पेयर ऑफ जो यूरेटर है उसकी हेल्प से ये यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर जो टोटली एक मस्कुलर ऑर्गन है और एक इलास्टिक ऑर्गन है, मतलब कि इसके अंदर यूरिन आकर के स्टोर होता है और जैसे जैसे यूरिन स्टोर होता जाता है ये एक्सपेंड करता जाता है, ये क्या करता रहता है, एक्सपेंड करता चला जाता है। पर इसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद हमें अर्ज महसूस होता है कि नाउ वी हैव टू यूज टॉयलेट और वॉशरूम, हमें जाकर के यूरिन को एक्सक्रीट आउट बॉडी से करना चाहिए। प्रेशर पड़ने लगता है ना यूरिनरी ब्लेडर पर तो फिर हमें पता, हमें उस समय एक्सक्रीशन की अर्ज उठती है। यूरिनरी ब्लेडर जिसमें यूरिन स्टोर हुआ है इससे एक बहुत पतली सी ट्यूब निकलती है जो कि बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सक्रीट आउट करती है, इस ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा। कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफाइन यूरेथ्रा, तो बच्चों आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज। एक काम करो आप लिख लो, आपकी बुक में दे नहीं रखी, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एज वेल एज इजेक्शन ऑफ स्पर्म्स, इजेक्शन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमन बींग्स। यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन भी एक्सक्रीट आउट होता है और मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो भी इजेक्ट आउट यूरेथ्रा के थ्रू ही होते हैं। हाँ जी, एक एडल्ट एवरेज ह्यूमन बीइंग की किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये इनकी लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है
और 2 से 3 सेंटीमीटर तक इनकी थिकनेस पाई जाती है। अगर किडनी का एवरेज वेट निकाले मेल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में तो 150 ग्राम्स है, और फीमेल्स के अंदर इसका जो वेट है लगभग 135 ग्राम्स जो है देखा गया है। हर किडनी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसे फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। किडनी में दो हिस्से होते हैं बच्चों, बाहर की तरफ कॉनकेव और अंदर की तरफ होता है आपका कॉन्वेक्स, सॉरी अंदर की तरफ कॉनकेव, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स। जो अंदर वाला हिस्सा है, अगर आपके पास में किडनी का डायग्राम हो तो आप उसमें देखेंगे जो ओपनिंग है किडनी की, जिसमें बाहर से रेनल आर्टरी या रेनल वेन आकर के एंटर करती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं हाइलम या फिर हाइलस। इससे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बाकी सभी चीजें जो हैं किडनी के अंदर एंटर करती हैं। हाइलम आगे एक फनल शेप्ड कैविटी, खाली जगह है फनल शेप की, उसमें एंटर होता है, ओपन होता है, जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस डायग्राम में आपको दिख जाएगा। और इस रेनल पेल्विस के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कैलाइसिस, CALYCES, कैलाइसिस। हर किडनी के बाहर की तरफ जो हिस्सा है बाउंड्री की तरफ, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो सेंटर में अंदर की तरफ हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला। बाहर की तरफ वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला सेंटर वाला हिस्सा कहलाता है मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर बहुत सारे कोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इन कोन्स को नाम दिया गया है बच्चों रेनल पिरामिड्स, या इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स, या तो रेनल पिरामिड या फिर मेड्यूलरी पिरामिड भी कहा जाता है। और इन्हीं मेड्यूलर पिरामिड से निकलने वाले जो प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कैलाइसिस। कैलाइसिस रेनल पेल्विस में ओपन होते हैं, और आगे जाकर के यही कैलाइसिस यूनाइट होकर के बनाते हैं बच्चों यूरेटर। मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं उनके बीच में जो हिस्सा पाया जाता है, कॉलम टाइप, एकदम पतला सा ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी, कॉलम्स ऑफ बर्टनी, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। और हर किडनी करोड़ों अरबों छोटे छोटे सेल से बनी है, जिनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। एक्चुअल में नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी तो ऑर्गन है, पर जैसा मैं पता है कि भैया सेल या टिश्यू से बना होगा, सेल्स होते हैं बच्चों नेफ्रॉन। एक्चुअल में ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है नेफ्रॉन्स का। तो जरा हम लोग देखते हैं ब्लड कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है, नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनका क्या काम है। बच्चों बोर्ड पर डायग्राम बना हुआ है, शायद आपकी बुक में इनमें से बहुत सारी चीजें जो है नहीं हो सकती हैं, अगर नहीं हो तो आप लोग बिल्कुल लेवल कर लीजिएगा। तो बच्चों जो आपका नेफ्रॉन है, इसके दो हिस्से हम लोग करते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं मालपिगियन कॉर्पसल, मालपिगियन कॉर्पसल या रेनल कॉर्पसल बोलते हैं। मालपिगियन कॉर्पसल दो चीजों का बना है, एक ग्लोमेरुलस और एक बाउमंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बाउमंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एक कप शेप स्ट्रक्चर है, जैसा आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एक कप के जैसा स्ट्रक्चर है। और इस बाउमंस कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो है वो पाई जाती है। ये जो कैपिलरीज का जाल है, नेटवर्क है बाउमंस कैप्सूल के अंदर, इस नेटवर्क को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
तो ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मैल्पिगियन बॉडी या मैल्पिगियन कॉर्पसल। आगे आप देखेंगे बच्चों, बाउमन्स कैप्सूल से फिर ट्यूब निकल रही है और आगे जो भी हिस्सा है एकदम वो ट्यूब के जैसा ही है। तो पहला तो आपने स्ट्रक्चर देखा मैल्पिगियन कॉर्पसल, दूसरा जो पार्ट है नेफ्रोन का उसको हम लोग कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल, जिसमें ट्यूब्स आती है। आपका बाउमन्स कैप्सूल से जुड़ी हुई जो ट्यूब है, शॉर्ट में PCT, फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यही PCT आगे बढ़ती है और फिर एक पतले से लूप में, लूप मतलब जो नीचे से और ऊपर दोनों तरफ जाता है, लूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कहते हैं हेनलेज लूप या इसे लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले आगे जिस ट्यूब में कन्वर्ट होती है वो है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये DCT एक बहुत बड़े ट्यूब में ओपन होता है, जिसको डक्ट को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स का DCT आकर के बच्चों ओपन होता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज जो है कहां से आई है, आर्ट्रियोल से। आर्ट्रियोल जो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेकर के आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ये शायद आपके बुक में नहीं होगा। और कैपिलरीज का नेटवर्क जब एंड होता है तो यही आर्ट्रियोल दूसरी तरफ से बाहर निकलता है बाउमन्स कैप्सूल से, और इस वायरस आर्ट्रियोल को बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो आर्ट्रियोल विच एंटर्स इनटू बाउमन्स कैप्सूल इज नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड आर्ट्रियोल विच एग्जिट एग्जिट फ्रॉम द बाउमन्स कैप्सूल इज नोन एज इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ब्लड बच्चों आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया। अब ग्लोमेरुलस में नेटवर्क है कैपिलरी का जो कि ब्लड को डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर सकती है, एंटर और एग्जिट कर सकती है। तो ये एक छननी फिल्टर का काम करती है ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ ब्लड जो है बच्चों वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद में दो चीजें हैं, एक जो फिल्टर होके आगे बढ़ गया और दूसरा जो फिल्टर नहीं हो पाया। जैसे चाय की अगर हम लोग बात करें तो चाय फिल्टर हो जाती है छन्नी में से और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। जो फिल्टर हो जाता है उसको बोलते हैं फिल्टरेट, और जो नहीं रह हो पाता उसे बोलते हैं रेजिड्यू। तो ब्लड आएगा, ब्लड छनेगा, फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद में जो चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी वो बाउमन्स कैप्सूल से चली जाएंगी PCT में। आपको एरो दिखाई दे रहे होंगे सारे, PCT में चली जाएगी, फिल्ट्रेट आप उसे कहेंगे। और जो रेजिड्यू है बच्चों, जो छन नहीं पाया है, फिल्टर नहीं हो पाया है, वो इफ्रंट आर्ट्रियोल से होता हुआ आगे वापस ब्लड के थ्रू पंप हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा। अब जो चीज फिल्टर हो गई थी बच्चों उसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें यूरिन, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट तो होता ही है, इसके अलावा कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जैसे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स एटसेट्रा, ये सारी जरूरी चीजें हमारे लिए। ये सब भी फिल्टर हो गई हैं, छन के आगे चली गई हैं। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। अब बच्चों ये आगे जो फिल्टर हो गई हैं चीजें, ये PCT से होते हुए लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएंगी, और यहां इन्हें मिलता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इन PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, इन सब के चारों तरफ कैपिलरीज का एक जाल होता है। जैसा आपको पता है कि कैपिलरीज की वॉल बहुत पतली होती है, तो क्योंकि यहां पर एक इसका लॉजिक ये है कि भाई जो जरूरी चीजें आगे पास आउट हो गई, हम नहीं चाहते कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाए, वेस्ट हो जाए, उन्हें वापस एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क आपके PCT और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ पाया जाता है, ये डिफ्यूजन की हेल्प से
इन ट्यूब्स में आने वाले एसेंशियल सब्सटेंसेस अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एटसेट्रा, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन। तो पहला स्टेप तो हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप आपका हो जाता है री एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कुछ जरूरी सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो गए थे, छन गए थे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर नहीं हो पाया। तो अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर नहीं हो पाया है, मतलब अभी भी आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो पॉइजन सब्सटेंसेस है हमारे लिए, उसे बॉडी से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे आपके ट्यूब से, ट्यूब्यूल से, रेनल ट्यूब्यूल से असेंशियल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होकर के कैपिलरी में आ गए थे, वैसे ही डिफ्यूजन के थ्रू कैपिलरी में प्रेजेंट जो बचा हुआ वेस्ट है वो बच्चों डीसीटी के अंदर डाल दिया जाता है। भाई डिफ्यूजन के थ्रू पीसीटी से आ गया तुम्हारा एसेंशियल सब्सटेंस और डीसीटी में डाल दिया गया क्या, जो भी बचा हुआ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट था, एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसे। इस तीसरी स्टेप को बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर सीक्रेशन, जिसमें ट्यूब्स में सीक्रेट कर दिया जाता है किसे, जो बचा हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे। और बच्चों अब ये जो लिक्विड डीसीटी में आएगा, कलेक्ट होगा डीसीटी में, इसे ही हम लोग कहते हैं यूरिन। अब ये डीसीटी के थ्रू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, एक डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं और ऐसे ही लाखों करोड़ों कलेक्टिंग डक्ट हमारी किडनी में पाए जाते हैं। और ऐसे करके ये यूरिन का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो होगा और इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये यूरिन आगे यूरेटर तक जाएगा, यूरेटर से जाकर के स्टोर होगा ब्लैडर में और यूरेथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन है इसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये था आपका यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, जो कि आप लोगों को बिल्कुल आनी चाहिए। डायग्राम भी आना चाहिए बच्चों और फंक्शनिंग जो है वो भी हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा, किडनीज के अलावा बच्चों कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम लोग और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे कि लंग्स, जैसा कि आपको पता है, बस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हमारी बॉडी से बाहर फेंकने का काम करता है हमारे लंग्स। इसके अलावा बच्चों लिवर, लिवर जो है वो कोलेस्टेरॉल और कुछ स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, विटामिन्स, ड्रग्स, केमिकल्स वगैरह जो दवाइयों वगैरह की वजह से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, इन्हें हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि ये लिवर अमोनिया, जो कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसे कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, जो कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। लिवर जो है वो हीमोग्लोबिन के पिगमेंट को भी बच्चों डाइजेस्ट कर सकता है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो पिगमेंट्स में उन्हें कन्वर्ट कर सकता है। भाई सीधी सी बात है, आरबीसी खत्म होगा, हीमोग्लोबिन खत्म होगा, तो उन्हें भी बॉडी से डिकम्पोज तो करना ही पड़ेगा, या तो डिकम्पोज किया जाए या उन्हें किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए। तो ये काम जो है हमारी बॉडी में किसके हिस्से आया है, लिवर के हिस्से आया। स्किन की बात करें तो बच्चों हमारी ह्यूमन स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो कि स्वेट, पसीना बनाती हैं, और दूसरी है ऑयल ग्लैंड्स, जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि ऑयल जो है उसे रिलीज करती हैं। ये भी हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही हैं। कभी कभी जो स्किन में छोटे छोटे पोर्स, जो छोटे छोटे छेद हैं जिनसे ऑयल और स्वेट बाहर आता है,
ये डस्ट या किसी भी वजह से बच्चों ब्लॉक हो जाते हैं। इस ब्लॉकेज के दौरान ऑयल जो है वो रिलीज होता है और वो उसी पोर के अंदर भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इसी केस में हम लोग देखते हैं कि पिंपल्स या एक्ने जो है, मुहासे वगैरह, ये स्किन के ऊपर रिलीज हो जाते हैं, जो कि कॉमनली प्यूबर्टी या टीनेज में देखा जाता है, जहां पर स्किन जो है वो सुपर एक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेशन होने लगता है, और उस कंडीशन में अगर ब्लॉक हो जाए पोर्स तो फिर इजीली देखा जाता है, बहुत कॉमन है पिंपल हो जाना। बाकी स्वेट जो है उसमें, उसकी हेल्प से हमारे शरीर में जो प्रेजेंट एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स हैं और जो वाटर है वो भी बाहर फेंक दिया जाता है। सिबेशियस ग्लैंड, लास्ट पॉइंट है, सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयली सीक्रेशन रिलीज करती हैं उसे बोलते हैं सीबम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीबम। और बच्चों जो ब्लड का सैंपल होता है उसे बोलते हैं सीरम, उसे बोलते हैं हम लोग सीरम। और जो ऑयली सीक्रेशन स्किन से हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीबम। तो बच्चों यहां हम लोग अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसे हम लोग बच्चों खत्म करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स याद रखनी है आपको। पहली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी है आपका रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरी स्टेप होती है आपकी ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेक्स्ट जो सिस्टम हम लोगों को करना है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखो रिप्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम बॉडी में हो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। तो जब वापस अपने ही जैसे किसी यंग वन को कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन बच्चों दो टाइप का हो सकता है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल, ए का मतलब यहां है एब्सेंट, एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स एब्सेंट होता है, मतलब कि यहाँ दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक सोलो, एक सिंगल पेरेंट ही न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकता है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां बच्चों मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां स्पेसिफिक सेल्स जिन्हें गैमेट्स कहा जाता है, ये गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मेल्स में गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्म्स, और ऐसे ही फीमेल्स में जो गैमेट बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एग। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करके मिलकर के बनाते हैं क्या, जायगोट। जायगोट आगे डेवलप करता है और डेवलप होकर के ये कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो, फिर आगे फीटस में, और तब कहीं जाकर के जो है एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से बन पाता है, डेवलप हो पाता है। तो बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जहां तक का जो चैप्टर पढ़ाया है बच्चों उसे अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं